1920s में 20 मिलियन डॉलर्स पर मंथ कमाए, एक मर्डर कंपनी शुरू करी, फिर भी पुलिस ने नहीं पकड़ा, कोर्ट में केस भी हुआ, 30 से 50 साल की जेल भी हुई, फिर भी 3 साल में वो बाहर। क्यों, कैसे, क्या चार्ल्स लकी लुचियानो सच्ची में लकीएस्ट गैंगस्टर एवर था? लेट्स फाइंड आउट। चार्ल्स लुचियानो इटली से अमेरिका आया था 14 साल की एज में, और बहुत ही छोटी एज में उसने छोटे मोटे क्राइम जैसे पिक पॉकेटिंग वगैरह शुरू कर दिए थे, एक्सटॉर्शन भी शुरू कर दी, एक छोटी सी गैंग भी बना ली, मतलब गैंगस्टर जैसे काम को शुरुआत से करता आया था। पर चार्ल्स लुचियानो बहुत ज़्यादा पावर हंग्री भी था, तो उसको इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना था, वो ये चाहता था कि वो और पावरफुल बने, तो वो इन चीज़ों से आगे बढ़ के उसने चोरी और ड्रग्स की पेडलिंग भी शुरू कर दी बड़े गैंगस्टर्स के लिए। सरप्राइजिंग बात यह है कि 1919 में एक बारी चार्ल्स लुचियानो को अरेस्ट भी करा गया था, पर कोई भी प्रूफ या एविडेंसेस ना होने की वजह से उसको पुलिस ने छोड़ दिया। पर यहाँ से इसकी असली स्टोरी शुरू होती है। 1920s में जो माजेरिया एक गैंगस्टर था, एक हेड ऑफ द क्राइम फैमिली था, जो आज के टाइम पे जेनोवीज क्राइम फैमिली के नाम से जानी जाती है, उस क्राइम का वो हेड था, और उसकी नज़र पड़ी चार्ल्स लुचियानो पे, और उसने चार्ल्स को हायर कर लिया एज अ गनमैन अपनी गैंग में। पर चार्ल्स का पोटेंशियल सिर्फ इतना सीमित नहीं था, ये सबको पता लगा प्रोहिबिशन के टाइम पे। Barrel after barrel of prize whiskeys destroyed by government agents. It's going to be a cold winter for the barrel busters. Prohibition era USA का वो टाइम है 1920s का, जब USA गवर्नमेंट ने सारी तरह की अल्कोहल की एक्टिविटीज, मतलब बेचना, खरीदना, मैन्युफैक्चर करना, सब पे टोटली बैन लगा दिया था। अल्कोहल USA में बंद हो गई थी। पर यही वो टाइम था जब चार्ल्स लुचियानो का दिमाग चला और सबको पता लगा कि वो सिर्फ एक गनमैन नहीं है। पावर हंग्री चार्ल्स, जो पावर को कंट्रोल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, उसने बूट लेगिंग का बिजनेस शुरू किया, मतलब ब्लैक में इलीगल तरीके से दारू बेचने का। और जैसे जैसे वो बेचता गया, वैसे वैसे वो पैसे कमाता गया, और इसी के साथ चार्ल्स लुचियानो बन गया इलीगल एल्कोहल का अनडिस्प्यूटेड किंग। नॉर्मली लोग एक या दो चीज़ों में मास्टरमाइंड बनते हैं, पर चार्ल्स हर चीज़ में मास्टरमाइंड बन रहा था, वो हर एक चीज़ कर रहा था, या फिर ये कह सकते हैं कि जो उसके मन में आया वो कर रहा था और उसका लक उसका साथ दे रहा था। चार्ल्स की लाइफ का एक इंसिडेंट तो ऐसा है कि अगर आप उसको सुनोगे, मैं आपको बताऊंगा, तो आप ये बोलोगे कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ मूवीज में होते हुए देखा है। तो हुआ ये कि 1920 में जब उसने जो माजेरिया की गैंग को ज्वाइन किया था, उसके 2 साल बाद पुलिस ने चार्ल्स को फिर से पकड़ लिया। और जब चार्ल्स को पुलिस ने दोबारा से पकड़ा, चार्ल्स वॉज क्वाइट स्कैर्ड, ऑब्वियसली वो डरेगा, उसको ये लगा कि उसका पूरा का पूरा करियर अब खत्म है। तो उसने अपना दिमाग लगाया और उसने उसी टाइम पे पुलिस के आगे एक छोटी सी डील रखी, और वो ये डील थी कि वो अपने से बड़े और अपने दूसरे गैंगस्टर की इंफॉर्मेशन पुलिस को देगा, पर पुलिस को चार्ल्स को छोड़ना पड़ेगा, पुलिस चार्ल्स को अरेस्ट नहीं कर सकती उसके बाद। अब उस टाइम पे चार्ल्स वाज अ न्यू गैंगस्टर, तो पुलिस ने भी ये सोचा कि यार इसको पकड़ने का भी उतना फायदा नहीं है जितना बाकी नॉन गैंगस्टर्स को है। पुलिस ने चार्ल्स की इस डील को एक्सेप्ट तो कर लिया, और चार्ल्स को लगा कि नाउ ही इज़ अ फ्री मैन, बट यहाँ से उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। धीरे धीरे सारे के सारे गैंगस्टर्स, ऑल दी क्राइम फैमिलीज, सबको ये पता लग गया कि चार्ल्स लुचियानो इज अ स्निच। सब ने उसके साथ काम करना तो छोड़ो, उसके साथ काम की बात भी नहीं करते थे, ना ही सोचते थे, एंड चार्ल्स का करियर ग्राफ बिल्कुल नीचे जाने लगा, उसका गैंगस्टर का करियर खत्म हो रहा था। पर तभी चार्ल्स के दिमाग में एक आइडिया आया। एक इन्फॉर्मेंट का टैग लगने के बाद जब कोई इसको सपोर्ट कर ही नहीं रहा, तो चार्ल्स ने अपना दिमाग लगाया और उसने सारे पावरफुल लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी। तो उनके लिए चार्ल्स लुचियानो बुक्ड एन एंटायर स्टेडियम टू वॉच अ गेम। जितने भी पावरफुल लोग उस टाइम पे न्यूयॉर्क में थे, गैंगस्टर्स, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस,
एक से बढ़ के एक पावरफुल इंसान उस दिन उस स्टेडियम में था बिकॉज चार्ल्स इनवाइटेड देम। और जब चार्ल्स ने उनको इनवाइट किया, उन सब ने गेम देखी, इसके बाद वो सब के सब इन्फ्लुएंस हो भी गए और उन्होंने चार्ल्स को अपना लिया। एंड नाउ चार्ल्स वॉज बैक टू बी ऑन टॉप। नाउ दैट लुचियानो वॉज बैक इन द गेम, वो सिर्फ एक गैंगस्टर या फिर बिजनेसमैन नहीं, ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इलीगल बिजनेसेस। और इसीलिए चार्ल्स ने बहुत सारे बिजनेसेस को रन करना शुरू कर दिया, इलीगल रैकेटिंग, इलीगल गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, जो जो क्राइम हो सकता था उसने सारे के सारे क्राइम्स को एक साथ करना शुरू कर दिया। सबके अंदर उसने अपना पैसा डालना शुरू कर दिया, सबको उसने रन करना शुरू कर दिया टू गेन पावर। पर इन सारे बिजनेसेस के अलावा एक ऐसी चीज थी जो चार्ल्स लुचियानो ने करी जिससे सब डर गए। चार्ल्स क्रिएटेड एन इनकॉर्पोरेशन जिसका नाम था मर्डर इनकॉर्पोरेशन। ये एक ऐसी इनकॉर्पोरेशन थी जिसके अंदर लुचियानो ने बड़े से बड़े हिटमैन को हायर किया, रूथलेस पीपल जो सिर्फ और सिर्फ चार्ल्स के एक इशारे पे बिना किसी रीजन के वर रेडी टू किल एनीबडी। और ऐसा होने के बाद चार्ल्स की जो पावर थी वो बिल्कुल अनमैच होती गई और कोई भी चार्ल्स से पंगा नहीं लेता था। ही बिकेम रूथलेस एंड वायलेंट। पर एक बात है, चार्ल्स लुचियानो का एक कॉन्ट्राडिक्टरी टैलेंट था एंड दैट टैलेंट वॉज सीकिंग पीस। चार्ल्स एक बहुत ही बड़ा मीडिएटर था, बहुत ही बढ़िया मीडिएटर था वो फॉर दैट मैटर। जितनी भी गैंग वॉर्स थी, जितनी भी एनिमिटी थी, जितनी भी दुश्मनी थी, वो सबके सब चार्ल्स खत्म करवाना चाहता था सबके बीच में, ताकि क्राइम अच्छे से रन करे। एंड इसी की वजह से सारे के सारे गैंगस्टर्स, सारे माफिया ने चार्ल्स की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी। पर ये एक ऐसी क्वालिटी थी चार्ल्स की कि लोग डरते थे उससे, कि वो कब वॉयलेंट हो जाए, कब वो पीसफुल हो जाए, किसी को नहीं पता। चार्ल्स लुचियानो के नाम में लकी क्यों ऐड हुआ, इसकी काफ़ी सारी स्टोरीज हैं। इसकी मेजरली तीन स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी तो ये है कि लोग कहते हैं कि उसका लक गैम्बलिंग में बहुत अच्छा था, वो जो भी गैम्बल करता था वो हमेशा जीतता था, इसलिए उसको लकी बुलाते थे। किसी दूसरी स्टोरी किसी ने ये बोल दी कि वो कितने भी क्राइम्स करता था, उसके मन में जो आता था वो करता था, पर फिर भी वो फंसता नहीं था, इसलिए लोग उसको लकी कहते थे। पर मेरे को उसकी तीसरी स्टोरी कि उसका नाम लकी क्यों रखा गया सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। 1929 में चार्ल्स लुचियानो को तीन लोगों ने किडनैप कर लिया। उसको किडनैप करने के बाद उसको लोगों ने स्टैब किया बेरहमी से, अनलिमिटेड बारी, मतलब जितनी बारी स्टैब किया उसके बाद किसी इंसान का बचना तो छोड़ो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बट चार्ल्स लुचियानो सर्वाइव्ड। वो सर्वाइव नहीं किया, उसने एक्सेप्शनली रिकवर किया। उसने इतने अच्छे से रिकवर किया कि कभी कोई नहीं कर पाया और लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि वो कर पाएगा। और इसी वजह से चार्ल्स का नाम पड़ा चार्ल्स लकी लुचियानो। वैसे चार्ल्स की रिकवरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि अब जो होने वाला था उसके लिए चार्ल्स को अपनी पूरी की पूरी कैपेबिलिटीज की ज़रूरत थी। में पावर स्ट्रगल्स नहीं, पावर वॉर शुरू हो गई थी। दो क्राइम फैमिलीज के हेड जो माजेरिया और सेल्वेटोर मरेंजानो, ये दोनों हेड्स की आपस में एनिमिटी ऐसी बढ़ गई थी कि ये दोनों बस एक दूसरे का खून करना चाहते थे। दे जस्ट वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ वन अनदर। और इसी की वजह से दोनों गैंग्स के बीच में जो वॉर हुई, जो एस्केलेट हुई, मानो पूरी की पूरी न्यूयॉर्क का कलर रेड हो गया, खून जैसा लाल। चार्ल्स लुचियानो जो जो माजेरिया की गैंग में था, उसकी मर्डर इनकॉर्पोरेशन पूरी तरह एग्जीक्यूशन पे जा चुकी। उसके गनमैन मर्सी वर्ड का मतलब भूल चुके थे। उनको जो दिखता ऑपोजिट गैंग का, मेरानजानो की गैंग का, उसको सीधा मार देते बिना कुछ पूछे या देखे। इस वॉर की वजह से न्यूयॉर्क में इतनी डिस्टर्बेंस हुई कि इनके सारे क्राइम्स पुलिस और गवर्नमेंट की नज़रों में धीरे धीरे आने लगे थे।
एंड देन चार्ल्स थॉट कि पीस की जरूरत है। Joe the Boss, who police said was the biggest racketeer of them all, died from his foe's bullets in Coney Island last night. Police feared a gang war. 5 bullets were sent into his back, head and shoulder. Charles Luciano ने Maranzano के साथ एक डील कर ली, जिसके अंदर उसने अपने खुद के बॉस, खुद के मेंटर, खुद के सीनियर को मरवा दिया ताकि ये वॉर खत्म हो जाए। इसके अंदर चार्ल्स का भी फायदा था, Maranzano का भी। Maranzano को तो ये फायदा था कि चलो उसका एनिमी खत्म हो रहा है, पर चार्ल्स उसका बेनिफिट ये था कि अब वो बन गया है सबका बॉस। इस डील के बाद भी एक चीज जो दोनों क्राइम फैमिलीज के बीच में से खत्म नहीं हुई वो थी ट्रस्ट इश्यूज। अभी भी इस डील के बाद भी Maranzano को ये लग रहा था कि एज चार्ल्स इतना ज़्यादा पावरफुल है, पहले भी था, अभी भी है, अब और हो गया है, तो वो कभी भी Maranzano को भी मरवा सकता है, तो इसीलिए Maranzano को पहले चार्ल्स को मरवा देना चाहिए। Salvatore और Maranzano को ये लग रहा था कि अब चार्ल्स जो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है, अब वो कभी भी उसको मरवा देगा, इसीलिए Maranzano ने प्लान बनाया कि चार्ल्स को पहले ही मरवा दो और ये बात चार्ल्स को पता लग गई। 10 सितंबर 1931 में Maranzano के घर पे कुछ टैक्स ऑफिशियल्स आए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो Maranzano से कुछ टैक्सेस के बारे में पूछताछ करने आए थे, और उन्होंने बोला कि हमारे को Maranzano से अकेले में बात करनी है। तो Maranzano ने भी बड़े कॉन्फिडेंस में अपने सारे के सारे बॉडीगार्ड्स को बाहर भेज दिया कि आई कैन डील विद इट। पर जैसे ही सारे के सारे बॉडीगार्ड्स बाहर गए, उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ही स्टैब कर करके Maranzano को वहीं के वहीं मार। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कोई नहीं, चार्ल्स Luciano के भेजे हुए हिटमैन थे। और अब Maranzano को मारने के बाद चार्ल्स बिकेम द अनडिस्प्यूटेड लीडर। Salvatore के मरने के बाद चार्ल्स Luciano बिकेम द बॉस ऑफ द बॉसेस। पर वो ये भी समझता था कि अगर वो अपने आप को एक ऊंचे लेवल पर रखेगा तो वो काम नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि लोग एक गैप हमेशा समझेंगे। इसीलिए उसने इस टाइटल को खत्म कर दिया और उसने बनाई एक कमीशन। कमीशन बेसिकली एक सिस्टमैटिक वे था जिसमें सारे के सारे गैंग लीडर्स, सारे के सारे क्राइम फैमिली के बॉसेस आके एक साथ बैठते थे, बात करते थे, कोई भी इश्यूज थे वो रिजॉल्व करते थे। इट वाज टेक्निकली अ गवर्नमेंट ऑफ द माफिया, जिसमें लीडर्स हैं और बाकी उनके डिसाइपल्स हैं। और अगर कोई भी इस कमीशन के रूल्स के अगेंस्ट जाता था, उस बंदे को सिर्फ एक पनिशमेंट मिलती थी, एंड दैट वॉज डेथ। इतनी सारी चीज़ों के बाद चार्ल्स Luciano का सिर्फ एक क्रिमिनल बिजनेस या इंडस्ट्री नहीं थी, उसका क्रिमिनल एम्पायर बन चुका था। इलीगल गैम्बलिंग, मर्डर्स, इलीगल लेबर रैकेटिंग, इलीगल प्रोस्टिट्यूशन, इन सब चीज़ों के अंदर चार्ल्स Luciano बिकेम द किंग। इस टाइम तक चार्ल्स लकी Luciano इतना ज़्यादा पावर हंग्री, इतना ज़्यादा ग्रीडी बन चुका था कि उसने इवन ब्रॉथल्स के अंदर विमेन को ड्रग्स देने शुरू कर दिए, उनको ड्रग एडिक्ट बना दिया ताकि वो चार्ल्स की स्लेव बन जाए। जैसे जैसे चार्ल्स लकी Luciano का क्राइम बढ़ता गया, वैसे ही वो क्राइम नजरों में भी आने लगा था। थॉमस ड्यूई, जो उस टाइम पे एक प्रोसिक्यूटर था, उसने यूनिस कार्टर, जो उस टाइम की फर्स्ट फीमेल ब्लैक प्रोसिक्यूटर थी, उसने उस टाइम पे उसके साथ एक प्लान बनाया और चार्ल्स के सारे बिजनेसेस पे रेड्स कंडक्ट करी। चार्ल्स लकी Luciano के अगेंस्ट एविडेंसेस भी कलेक्ट करे, और अब चार्ल्स का लक हो गया खत्म, डाउनफॉल हो गई शुरू। चार्ल्स लकी Luciano पूरे यूएसए में इधर से उधर, उधर से इधर भागता रहा, पर उसका लक हो गया था खत्म और वो पकड़ा गया। उसके अगेंस्ट केस भी चला, उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्टिमनीज भी दी गई, और एंड में उसके अगेंस्ट सेंटेंस भी हुआ 30 से 50 साल का। नॉर्मली तो यहां पे स्टोरी खत्म हो जानी चाहिए, है ना? नाइनटीन थर्टी नाइन में आई वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें यूएसए पर भी अटैक्स हो रहे थे।
वहाँ पे आर्मी वांटेड कि उनकी जितने भी डॉग्स हैं, जो भी पोर्ट्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग रहे, पर वहाँ की जो लेबर यूनियंस थी वो नेवी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी, वो स्ट्राइक्स पे भी जा रहे थे, वो पूरी तरह से आर्मी को ही, अपनी कंट्री को ही टॉर्चर कर रहे थे। जब पता करने की कोशिश करी कि उनको कौन चलाता है, तब पता लगा कि चार्ल्स लकी लुचियानो इज द मैन बिहाइंड। 1936 में चार्ल्स लुचियानो ने अपील लगाई थी जो 1937 में डिसमिस हो गई, बट थॉमस ड्यूई, जिसने चार्ल्स लकी लुचियानो को जेल में बंद करवाया था, अपनी पूरी जी जान लगवा दी उसको जेल में रखने के लिए, वो खुद 1942 में चार्ल्स लकी लुचियानो के पास गया एक डील लेके, ये बोल के सपोर्ट इन एक्सचेंज ऑफ फ्रीडम। चार्ल्स लकी लुचियानो ने सारे के सारे डॉग्स के लेबर यूनियंस को एक ही बारी में कमांड दे दिया कि अब तुम स्ट्राइक पे नहीं जाओगे, यू विल सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद द नेवी। और इसी के एक्सचेंज में चार्ल्स लकी लुचियानो, जो 50 साल जेल में रहने वाला था, बिकेम अ फ्री मैन। पर थॉमस ड्यूई ने भी उसको चैन से नहीं रहने दिया। 1946 में थॉमस ड्यूई ने चार्ल्स लकी लुचियानो को दोबारा इटली डिपोर्ट करवा दिया। 1946 से लेकर 1962 तक चार्ल्स लकी लुचियानो ने बहुत कोशिश करी कि वो इटली से बैठ के अपना सारा का सारा क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम, द कमीशन, उसको रन करे, पर ऑब्वियसली उसकी पावर कम होती जा रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर था और सारे के सारे नए यंग गैंगस्टर्स अब सामने आ रहे थे। 1962 तक चार्ल्स लकी लुचियानो फ्री तो था, बट उसको इटली में पुलिस तंग करती थी, उसको क्यूबा में पुलिस तंग करती थी, यूएसए से उसको आने नहीं देते थे, पुलिस उसके घर के आसपास रहती थी हर वक्त। मतलब चार्ल्स लकी लुचियानो वॉज अ फ्री मैन, बट ही वॉजंट अ फ्री मैन। 26 जनवरी 1962 चार्ल्स लकी लुचियानो एयरपोर्ट पे गया था इटली में ही एक अमेरिकन प्रोड्यूसर से मिलने, क्योंकि वो प्रोड्यूसर उसके ऊपर एक बायोपिक बनाना चाह रहा था। वहीं पे बैठे बैठे चार्ल्स लकी लुचियानो को हार्ट अटैक आया एंड ही पास्ड अवे, और उसकी बॉडी को पुलिस वालों ने उठाया क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर नज़र रखे हुए थे, क्योंकि उनको लगा कि चार्ल्स लकी लुचियानो वहाँ पर ड्रग्स की स्मगलिंग करने गया है। चार्ल्स लकी लुचियानो के फ्यूनरल पे ही 300 लोग आए थे। यूएसए गवर्नमेंट से परमिशन लेके उसको यूएसए में ही बरी किया गया और उसकी बॉडी वापस यूएसए की सॉइल में थी, बट पावरलेस। चार्ल्स लुचियानो ये मानता था कि थॉमस ड्यूई ने उसके नाम के आगे गैंगस्टर लगा के चार्ल्स के साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि अगर उसके बच्चे होते हर जगह पे वो यही जानना चाहते कि वो एक गैंगस्टर के बच्चे हैं, और वो इस तरह से अपने बच्चों को ज़िंदगी नहीं देना चाहता था। Hence, चार्ल्स लकी लुचियानो डाइड अलोन। उसकी लाइफ में पैसा था, पावर थी, हर चीज थी, बट उसके पास फैमिली नहीं थी। ही डाइड अलोन, ही हैड नो चिल्ड्रन, ही हैड नो सेफ्टी, ही हैड नो सिक्योरिटी। सो वॉज ही लकी और नॉट, इट्स फॉर यू टू डिसाइड। ये थी स्टोरी चार्ल्स लकी लुचियानो की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, अगर ऐसी स्टोरीज और चाहिए, यू नो व्हाट टू डू, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।